लोग स्वागत है सभी का इनविंसिबल टेक यूट्यूब चैनल में। मैं हूं नीतीश कर और आज आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आ चुका हूं। तो गाइस आज की वीडियो का टॉपिक आपने थंबनेल पर देख ही लिया हो कि आप अपने डिवाइस को किस तरह से फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, बहुत बार हो जाता है कि आप अपने फोन को रखकर भूल जाते हैं ऑन अ साइलेंट मोड, साइलेंट करके, या फिर ऐसा हो जाता है कि हमारा फोन खो जाता है तो हम चिंता में पड़ जाते हैं कि आप अपने फोन को कैसे ढूंढे और छोड़ देते हैं कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं। और उसमें हमारे बहुत सारा इंपॉर्टेंट डेटा होता है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, जो कि किसी और के पास जाना बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको एक ऐप के बारे में बताऊंगा जिससे कि आप अपने डिवाइस को फाइंड कर सकते हैं विद इन 2 मिनट्स, मतलब 2 मिनट के अंदर अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपका डिवाइस एग्जैक्ट किस लोकेशन पर है। और आप उसमें अपनी तरफ से साउंड भी भेज सकते हैं। मतलब कैसा होता है कि जैसे कि फोन आपके घर में ही लगकर भूल गए और साइलेंट मोड पर आपको मिल नहीं रहा है, तो आप अपने दूसरे फोन से उससे उस पर साउंड बजा सकते हैं। 5 मिनट के लिए फुल वॉल्यूम पर साउंड बजेगा उस पर और आपको पता चल जाएगा कि आपका फोन कहाँ पर है साइलेंट पर रहने के बावजूद भी। ठीक है गाइस, तो आपको समझ में आया कि मैं एग्जैक्टली आज हम क्या करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बिना देरी किए चलते हैं अपनी फोन की स्क्रीन पर और देखते हैं कि किस तरह से अपने फोन को फाइंड कर सकते। तो गाइस अब आ गए हैं अपनी फ़ोन की स्क्रीन पर और मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने डिवाइस को फाइंड कैसे कर सकते हैं। ओके गाइस, तो हमारे घर में बहुत बार हो जाता है कि हम अपने फ़ोन को रखकर भूल जाते हैं, साइलेंट मोड पर कर देते हैं क्योंकि हमारी आदत हो चुकी है साइलेंट मोड पर रखने की अपने फ़ोनों को। ठीक है, तो फ़ोन को रखकर भूल जाते हैं और हमें समझ में नहीं आता हम किस तरह से हम उसको ढूंढ सकते हैं। तो मैं आपको एक सीधा सा रास्ता बताता हूँ कि आप उसको किस तरह से ढूंढ सकते हैं। और कभी कभी ऐसे भी हो जाता है कि आपका फ़ोन खो गया, आपको उसकी लोकेशन देखनी है, तो आपको कुछ चीज़ें लगती हैं, जैसे कि एक तो जीमेल आपको होनी चाहिए कि वो उस फ़ोन में भी लॉगिन हो, जो उस फ़ोन में जीमेल लॉगिन होगी आपको इसमें भी लॉगिन करनी होगी। मतलब सीधी सी बात है, उसका आपको पासवर्ड पता होना चाहिए तभी आप उस फोन को ढूंढ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह से हम उसको देख सकते हैं। तो आपको सीधे सीधे पहले प्ले स्टोर पर जाना है और यहां पर आकर सर्च करना है फाइंड माय डिवाइस। फाइंड माई डिवाइस आप सर्च करेंगे तो कुछ इस तरह का ये एक ऐप निकल कर आएगा जो कि 2.2 MB का है। आपको इसको सिंपली डाउनलोड कर लेना है, तो हम यहाँ पर सीधे आपके सामने इसको डाउनलोड कर लेते हैं। मैं आपको फुल प्रूफ दूंगा कि आप किस तरह से अपने डिवाइस को फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है प्रूफ देना, क्योंकि आपको लगेगा कि नहीं ये तो फेक है या फिर ऐसी कुछ चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है तो अब हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल होने के बाद हम इसको फाइंड करेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि आपको एक जीमेल बनानी होती है, तो यहाँ पर इसको वेरीफाई करवाते हैं और फिर अपना सीधे सिंपली इंस्टॉल करेंगे अपने इस ऐप को। ओके, तो यहाँ पर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर ये बोल रहा है कि आप अपनी जीमेल बताइए, तो यहाँ पर आप अपनी जीमेल डालेंगे तो आप भी अपनी जीमेल यहाँ पर आपको डालनी होती है। यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ आ रहा है कंटिन्यू एस टेक्निकल, तो यहाँ पर आप कोई भी अपनी ऐसी जीमेल डाल सकते हैं जो भी आपको ज़रूरी हो। ओके, तो यहाँ पर मैं अपनी जीमेल डाल देता हूँ। ओके, तो गाइस यहाँ पर आपने अपनी जीमेल डाल दी है और अब यहाँ पर ये पूछ रहा है अलाउ फाइंड डिवाइस टू एक्सेस दिस डिवाइस लोकेशंस। तो ये बोल रहा है कि डिवाइस को फाइंड करने के लिए आप अपने डिवाइस की लोकेशन को एक्सेस करना पड़ता है, तो हम यहाँ पर अलाउ कर देते हैं इस चीज़ को। तो देखिए ये जो आईडी है ये मेरे दूसरे फ़ोन गैलेक्सी ऑन 7 में भी खुली हुई है। ओके, ये सैमसंग का फ़ोन है, तो ये मेरा फ़ोन है शाओमी रेडमी नोट 7 प्रो। ओके, तो ये यहाँ पर आपको लोकेशन एकदम बता देता है कि हाँ कहाँ पर है बेसिकली मेरठ में, और एग्जैक्ट लोकेशन बता देगा। और ये भी अगर जैसे मैंने गैलेक्सी ऑन 7 पर क्लिक किया तो ये कॉन्टैक्टिंग करेगा उस डिवाइस से। ओके, तो हमें पहले इसको पेयर कर लेना है, देन हम देखते हैं कि हम किस तरह से इस चीज़ को वो करेंगे। ओके, तो ये हम पेयर करवा रहा है। अभी देखिए ये वाला जो है एकदम सीधा नेटवर्क बता दिया है कि हाँ हमारा जो डिवाइस है वो यहाँ पर है। अब हमें क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पर। तो इस चीज़ में हमें देखना है कि हमें यहाँ पर क्या करना है, प्ले साउंड पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर प्ले साउंड पर देखिए मैं क्लिक करूँगा तो ये बजना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से ये बजना शुरू हो जाता है। आप कोई भी फ़ोन पर क्लिक करके इस चीज़ को कर सकते हैं, जैसे कि दूसरे फ़ोन से जब कॉन्टैक्ट हो जाते हैं आपके तो आप क्या करते हैं उसको प्ले साउंड पर क्लिक कर दीजिए। अगर वो साइलेंट पे भी होगा तो 5 मिनट्स तक आपकी फुल वॉल्यूम में फ़ोन बजता है और आपको पता चल जाता है कि आपका फ़ोन कहाँ है। जैसे कि बहुत बार होता है कि हमसे रिसेंटली फ़ोन खुआ और एकदम से हम देखने लग गए अब मिल नहीं रहा है, तो एकदम से आपको ये काम कर देना है, पहले कोई भी काम छोड़कर इस काम को कीजिए। और अगर फिर भी वो नहीं मिल पाता है तो आप अपने डिवाइस को सिक्योर
सिक्योर कर सकते हैं। देखिए सेकंड ऑप्शन सिक्योर का भी आ रहा है, और अगर आपको उसमें कुछ डेटा है, अगर आपका फ़ोन खो चुका है और आपको लग रहा है कि उसमें कुछ डेटा है, तो आप उसको इरेज डेटा भी कर सकते हैं जो कि आपकी जीमेल से लॉगिन होगा। मतलब आपके डेटा या फिर आपके कोई भी ऐसी चीज़ को, पर्सनल इन्फॉर्मेशन को आपको कोई चुरा नहीं पाएगा अगर आपका फ़ोन खो भी जाता है तो गूगल की तरफ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐप है और आपके लिए बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स आजकल हमारे फ़ोन खोने लगे हैं। इसी वजह से ये ऐप मैं आपके लिए आज लेकर आया, तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है। आपको ऊपर जो डिवाइस दिख रहे हैं, जैसे दो डिवाइस दिख रहे हैं, तो फिलहाल ये जो जीमेल है ये दो डिवाइस में खुली हुई है। देखिए कुछ तो ये इससे कनेक्ट हो गया है, लास्ट सीन जस्ट नाउ ये दे रहा है, तो अभी हम देख भी लेते हैं कि देखिए डिवाइस इन्फॉर्मेशन में बता देगा कि फर्स्ट रजिस्टर यहाँ पर हुई थी और लास्ट सीन हमारा यहाँ पर हुआ था इस डिवाइस में, क्योंकि मेरा डिवाइस तो शाओमी है और ये जो सैमसंग वाला मेरा दूसरा फ़ोन है, तो इसमें बैटरी स्टेटस ही बता देगा, जियो फ़ोन भी बता देगा और मेरी जीमेल भी यहाँ पर खुली हुई है। तो यहाँ पर मुझे तीन ऑप्शन आ रहे हैं, प्ले साउंड के भी, सिक्योर डिवाइस के भी और इरेज डिवाइस के भी, तो मैं तीनों कर सकता हूँ यहाँ पर अगर मेरा फ़ोन वो खो जाता है तो। और मुझे एग्जैक्ट लोकेशन भी बताता रहेगा कि हाँ यहाँ पर मेरठ में मेरा फ़ोन है एग्जैक्टली सूरज कुंड पार्क के पास। तो आपको समझ में आ सकता है कि आप किस तरह से यहाँ पर वर्क करना है आपको इस डिवाइस पर। ऊपर जितने भी डिवाइस आ रहे होंगे, जैसे कि अभी फिलहाल मेरे दो ही डिवाइस आ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि मैं दो डिवाइस में ही ये जीमेल खुली हुई है। अगर आपके और भी डिवाइस आते हैं, इसका मतलब यह है कि और भी आपके अकाउंट में, आपके फ़ोनों में ये वाली जीमेल खुली हुई है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि अपने फ़ोन को किस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं मेन स्क्रीन पर। तो गाइस आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और वीडियो भी पसंद आई होगी जो जिसे मैंने करके दिखाया, तो आपको पता चला होगा कि दो मिनट के अंदर आपने अपने फोन को फाइंड करना भी सीख लिया और वो भी बहुत ज्यादा इजी तरीके से। इसे 2 MB का ऐप है, आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, प्ले स्टोर पर से आपको इसको डाउनलोड कर लेना है और बाकी आपको जैसे मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं आपको उनको फॉलो करना है, कोई भी स्टेप्स नहीं छोड़िएगा। अगर आपने इस वीडियो को स्किप भी किया तो मैं रिकमेंड करूंगा कि वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको समझ में आए बेसिकली कि किस तरह से आप अपने मोबाइल को फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में बहुत ज्यादा जरूरी हो चुकी है चीजें। ओके गाइस, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, बिकॉज इससे हमारा ही मोटिवेशन बढ़ता है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं।